हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बॉक्सिंग डे सेल हॉल। सो यूके में ना 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे होता है, जो कि सबसे बड़ी साल की सेल होती है। जैसे यूएस में थैंक्स गिविंग होता है और दिवाली पे सेल लगती है इंडिया में, वैसे ही यहाँ पर बॉक्सिंग डे सेल होती है। तो जैसे कि आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, मैंने अपलोड किया है और उसमें मैंने दिखाया कि ग्लासगो फोर्ट में मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की। और पिछले 2 सालों में जब से मैं ग्लासगो आई हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने इतनी अच्छी शॉपिंग करी है, इतनी अच्छी डील्स मिली है। तो मुझे लगा आप लोग के साथ एक हॉल वीडियो में शेयर ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा लिप सिंक और वॉइस ओवर बिल्कुल डिफरेंट है इस वीडियो से, बिकॉज आई डोंट नो, मेरी 3 वीडियो शूट हुई और सबका वॉइस हट गया है पीछे से, एंड मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ हो चुके हैं। सो प्लीज़ कोऑपरेट फॉर दीज 3 वीडियोज़, आगे से मैं पक्का ध्यान रखने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया तो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप मेरे साथ बने रहे हैं। और ये आप मैं ट्राई कर रही हूँ जितना फिगर आउट कर पाऊँ कि मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ उसी को लिप सिंक कर कर वही सेम चीज़ें बोलूँ। सो बेसिकली बॉक्सिंग डे है वो साल की सबसे बड़ी सेल होती है यूके में, जब आपको 80-90% 50% डिस्काउंट मिल जाता है सारे बड़े बड़े ब्रांड्स पे, जो नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर काफ़ी महंगे होते हैं। जो सेल लगती है वो मोस्टली जो एंड ऑफ सीजन सेल होती है उसी की तरह होती है। मतलब आपको जैकेट्स, कोट्स, शूज़, इन्हीं सब आइटम्स पे ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप टॉप टी शर्ट्स इन पे जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी चीप होते हैं। जब हम बाहर की कंट्रीज से आते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान या और कंट्रीज से, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बैग में अपनी पूरी दुनिया लेके आए, सारे अपने कपड़े, अपने शूज़, सब कुछ लेकर आते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट वर्थ कैरिंग ऑल द थिंग्स हेयर, बिकॉज यहाँ पर उतनी ठंड पड़ती है कि आपका जो अपनी कंट्रीज का जैकेट्स एंड शूज़ है वो काम नहीं करता है। इसीलिए मुझे लगा कि ये हॉल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सस्ती डील्स मिल जाती हैं और आप अच्छी जैकेट्स एंड शूज़ ले सकते हैं। अभी भी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं वीडियो में किस बारे में बात कर रही थी इस इंट्रोडक्शन के टाइम, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि बॉक्सिंग डे सेल मैंने ग्लासगो फोर्ट में की, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस सेल के ना कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लॉस भी हैं। एक बेनिफिट ये है कि आपको इतनी अमेजिंग डील पूरे साल में कभी नहीं मिलेंगी। ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो पूरा साल आपको सेल नहीं देते हैं, वो बॉक्सिंग डे पे जरूर देते हैं। इसका लॉस ये है कि आपको बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट और बहुत स्पेसिफिक साइजेस मिलते हैं। एक और लॉस ये है कि जो आपको ऑफलाइन मिल रहा है जरूरी नहीं है वो आपको ऑनलाइन मिले, और जो आपको ऑनलाइन मिल रहा है वो जरूरी नहीं है आपको ऑफलाइन भी मिले। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेल प्रोडक्ट्स एंड फीमेल प्रोडक्ट्स बोथ। मैंने ज्यादा मेल प्रोडक्ट की शॉपिंग हुई क्योंकि उन पे बहुत अच्छी डील थी। सो फर्स्ट आइटम वी गॉट इज दिस बॉम्बर जैकेट, इट इज़ फ्रॉम ज़ारा। ज़ारा का रिकॉर्डिंग मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाई शॉर्ट वीडियो में, बट ज़ारा में बहुत धमाकेदार सेल चल रही थी, अभी भी चल रही है। इट्स अ ऑलिव ग्रीन कलर मेल बॉम्बर जैकेट, और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यूनिक था। इसमें आपको 2-3 कलर्स मिल रहे थे, एक ग्रे था और एक ब्लैक था, बट ऑलिव कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। सनलाइट की वजह से हो सकता है अभी आपको ये डिफरेंट कलर लग रहा हो, बट मैं इसका क्लोजर व्यू आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी, क्योंकि ये सारे ही कपड़े मैं खुद ट्राई ऑन कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझ पे आपको थोड़े बड़े थोड़े छोटे लग रहे होंगे, बट मेल फीमेल सारे प्रोडक्ट्स मैंने ही ट्राई किए हैं। इसका ओरिजिनल जो प्राइस था वो 49.99 था, मतलब 50 पाउंड की थी इंडिया के अकॉर्डिंग, और हमारी कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5,000 की जैकेट थी, बट वी एंड अप पेइंग 16 पाउंड्स फॉर दैट और 17 पाउंड फॉर दैट। तो बहुत अच्छी डील थी, क्योंकि ज़ारा पे इतना ज़्यादा गैप आना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये सेल पे थे तो इसमें 2 ही साइज अवेलेबल थे, तो मीडियम और एक्सेल साइज ही मिल रहा था, और ये वाला साइज मीडियम है, तो लार्ज और स्मॉल और बाकी सारे साइजेस सेम प्राइजेज में चल रहे थे। और बॉक्सिंग डे का एक ये भी सीन रहता है कि आपको स्पेसिफिक साइज ही उस प्राइज में मिल पाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। मुझे लगता है फीमेल पे भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको पेयर अप करें ब्लैक जीन्स और वाइट टी शर्ट या जंपर के साथ पेयर अप करेंगे तो ये काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, ये भी ज़ारा से है, ये भी अगेन एक मेल जैकेट है। इट्स लाइक अ शेफर वूल, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है गेस, शेफरा वूल जो शीप का वूल होता है उसकी जैकेट है। काफ़ी ज़्यादा हैवी जैकेट है, मतलब लिटरली 2-3 किलो की जैकेट थी, और ये प्रॉपर कोट स्टाइल में है, वेस्ट कोट तक आता है आपके, प्रॉपर अंदर से वूल है, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी ये। इतनी अच्छी क्वालिटी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि फीमेल्स के लिए मैं बाय कर लूँ, बट
वैरायटी है मेल्स के ही सेक्शन में अवेलेबल थी। आपको प्रॉपर वूल मिल रहा है, बाहर लेदर टाइप का मटेरियल है। इसका ओरिजिनल जो कलर है वो क्रीम है, नॉट बेज एग्जैक्टली, ऑफ वाइट और क्रीम कलर की है। काफ़ी सही लुक आ रहा था जब मैंने भी, अगर आप ट्राई ऑन में देख रहे होंगे कि मैंने ट्राई किया है तो भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और इसमें आपको अच्छी पॉकेट्स मिल जाएंगी, बेल्ट्स मिल जाएंगी। ये परफेक्ट है हॉलीडे सीजन के लिए या फिर अगर आप ऑफिस में पहनना चाहते हैं। इसका एक बेनिफिट मुझे ये लगा, क्योंकि इतनी हैवी तो है बट गर्म भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसमें बहुत लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसका एक लॉस है कि इसमें हुड वगैरह कुछ नहीं, और पिछली जैकेट में भी हुड नहीं था। तो जैसे कि आपको पता है कि यूके का वेदर है, जब आपको बहुत बारिश होती है तो आप ये सब चीज़ें नहीं पहन सकते, बट अदरवाइज दिस इज़ परफेक्ट। इतनी अच्छी थी, आप पार्टीज वगैरह में पहन के जाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका ओरिजिनल प्राइस था 90 pounds, 89.99, मतलब 9,000 की थी, एंड वी एंड अप पेइंग 29.99, मतलब 30 pound की हमें मिल गई थी। अगेन इसमें भी साइज ये मीडियम है, आई गेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बाकी सारे साइजेस 50 pounds के थे। चलिए नेक्स्ट जैकेट पे मूव करते हैं। अगेन अ मेल जैकेट, मैं पहले आपको सारे मेल प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। सो ये वाली टील ग्रीन कलर की जैकेट थी, ट्रस्ट मी ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था जो मैंने देखा, वरना मेल्स की जैकेट में ग्रे, ब्लैक, ऑफ वाइट, ग्रीन यही आते हैं, बट टील ग्रीन मैंने कभी नहीं देखा। और इस जैकेट की क्वालिटी सब जैकेट से बहुत अच्छी थी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड थी। ये जैकेट हमने बाय की जैक एंड जॉन से, वहाँ पर अप टू 70% ऑफ चल रहा था, और काफ़ी अच्छी जैकेट लग रही थी। काफ़ी डिफरेंट कलर था, और इसमें एक ग्रे कलर भी अवेलेबल था, बट टील ग्रीन वॉज वेरी अमेजिंग। एक तो लाइट वेट थी, ऊपर से विंड प्रूफ, और ये रेन वाटर प्रूफ थी। तो आपको जैसे पता है कि यूके का वेदर ऐसा है कि इतनी ज़्यादा हवा चलती है, इतनी ज़्यादा बरसात यहाँ पे होती है, तो आपको हमेशा वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस और विंड प्रूफ जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हुडी अटैच है, तो आपको वो सेव कर लेगा और रेन से। इसमें दो डिफरेंट तरीके की पॉकेट्स दे रखी हैं, साइड पॉकेट्स हैं एंड अपर, जैसे कोट में पॉकेट होती है उस तरीके की भी पॉकेट्स हैं। इसका ओरिजिनल जो प्राइस था वो 79.99 था, मतलब 80 pounds, 8,000 के करीब की थी, बट वी एंड अप पेइंग 35 pounds। पहले लग रहा था कि बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है अकॉर्डिंग टू डील्स, और जैक एंड जॉन से कभी लिया भी नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, इसका वाटर प्रूफ होना, इसका विंड प्रूफ होना देखकर हम लोगों ने इस पर स्पेंड करा, 35 pounds की ये पड़ी। एंड ये ऑनलाइन भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी, और मुझे लगता है ये गर्ल्स पे, मतलब मुझ पर भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि ये आपको कैसी लग रही है। तो अभी ये हो गए कि मेल के जितने भी क्लोथिंग आइटम बाय किए गए हैं। उसके बाद ऐसा हुआ था कि मेल्स के शूज़ वी वर ट्राइंग, बट कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था ऑफलाइन स्टोर में, नाइकी में, फोटोसाइलम में, कुछ नहीं पसंद आ रहा था। तो सेम डे व्हेन वी केम होम, हमने एक ऑनलाइन शूज़ ऑर्डर किए जो हमें नेक्स्ट डे रिसीव भी हो गए। दिस इज़ फ्रॉम नाइकी जॉर्डन्स, और ये शूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। आई गेस इसका नाम है जॉर्डन जियोन 2. आई विल मैंशन एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज आई एम अ वेरी बैड एक्सप्लेनर अबाउट शूज़। मुझे मेल और फीमेल भी शूज़ का बहुत आइडिया नहीं है, मैं बहुत रिसेंटली ही शूज़ की फ़ैन बनी हूँ। तो ये इसमें दो साइजिंग अवेलेबल थे, 5 और 9, वी एंड अप गेटिंग साइज़ 9। ये येलो एंड थोड़ा सा आई गेस आई वुड से बेज कलर का मिक्सचर है, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लुक। इसका MRP था 134 pounds, और आई गेस 110 pounds I'll mention on the screen, but we end up paying 74 pounds only. Now let's move on to the female product. So सबसे पहला product, अगर आपने short video देखा है तो देख लिया होगा, I bought this top. ये ribbed top है और थोड़ा सा autumns और you can say springs के लिए काफ़ी अच्छा है पहनने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको सेल में साइजिंग का इशू होता है, तो ये मेरे साइज से बहुत बड़ा साइज है। बहुत ही अमेजिंग प्लम कलर है, और ये मैंने न्यू लुक से बाई किया, न्यू लुक में भी 70% सेल चल रहा था। इसमें फ्रिल वर्क इसके हैंड पे, इसकी वेस्ट पे, इसके नेक पे है। ऐसा टॉप मेरे पास एक बार पहले भी था जो मैंने 20 pounds का लिया था, बट दिस वन आई बॉट फॉर ओनली 5 pounds, और ये साइज है UK 20। बट बिकॉज यू नो दैट कि यूके में आपको चलना बहुत होता है, तो वी ऑलवेज लेयर अप सो मेनी थिंग्स, तो उसके लिए ये लूज मुझे परफेक्ट लगा, और मैंने इसको स्टाइल करने का एक सोचा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बॉडी पे अच्छा लग रहा है। आई नो यू लूज लग रहा है, बट आप लोग कमेंट्स करके बताना कि ये कलर कैसा लग रहा है और ये स्टाइल कैसा लग रहा है। मैं शॉर्ट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूंगी कि जब भी मैं इसे स्टाइल करूंगी। सो सेकंड फीमेल थिंग आई बॉट फ्रॉम H&M, आई वॉज नॉट अ बिग फैन ऑफ H&M प्रीवियसली, क्योंकि इंडिया में H&M काफ़ी महंगा लगता था मुझे, बट यहाँ का H&M मुझे प्रोडक्ट वाइज एंड क्वालिटी वाइज एंड प्राइजिंग वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये एक स्वेटर बाय किया जो
बहुत ही अच्छा बेबी ब्लू एंड क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में था। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी स्लीव्स मुझे बेल स्लीव्स जैसी लगी और काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। ये बैगी स्टाइल में है, पीछे से प्लेन प्लेन क्रीम कलर है एंड आगे बेबी ब्लू के साथ इसमें बटरफ्लाई जैसा पैटर्न है। मुझे काफ़ी सही लग रहा था ये टॉप, ये स्वेटर अकॉर्डिंग टू, अगर आपको ऑफिस में पहनना है, अगर आपको विंटर्स में लेयर अप करना है, आपको जेगिंग्स के साथ पहनना है, आपको स्कर्ट्स के साथ पहनना है, तो आप इसे पहन सकते हैं। और आई एंड अप पेइंग 8 पाउंड फॉर दिस स्वेटर। ओरिजिनली इसका MRP 17 पाउंड का था ये, और H&M में इतना सस्ता स्वेटर मिलना इज लाइक अ गुड डील, बिकॉज मैं जब यहाँ पर यूके आई थी तो मैंने अपना पहला H&M का स्वेटर 20 पाउंड में बाय किया था, बट ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा वुलन है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ रही। अगर आप एक लेयर भी नीचे पहनते हैं तो यू आर गुड टू गो, आपको और थर्ड लेयर पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वॉर्म लगा मुझे, और येस आई लव दिस स्वेटर। सो मेरी इतनी ही शॉपिंग हुई है और बाकी सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जो अभी आने में 10 दिन लग जाएंगे। सो वो इस वीडियो में नहीं आ पा रहा है बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोग के साथ। सो लास्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हॉल, और आप कह सकते हो कि फीमेल सेक्शन में से, वो है शूज़। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया था कि आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं सबसे पहले मेन पर्पसली शूज़ ही लेने गई थी। मैंने 3 से 4 शूज़ ट्राई किए, सभी नाइकी या जॉर्डन्स के ट्राई किए, एक न्यू बैलेंस का ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वाला शूज़ फाइनली पसंद आया। मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं पहना, इट इज़ फ्रॉम नाइकी एयर, सब कहते हैं जॉर्डन। मेरी नॉलेज बहुत ख़राब है अबाउट शूज़। इट इज़ व्हाइट एंड पर्पल ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में है नाइकी एयर। काफ़ी अच्छी डील थी। ये वाले शूज़ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और ये शूज़ सिर्फ एक साइज़ में अवेलेबल थे, दैट इज़ 5, माई साइज़। और ये मुझे काफ़ी सही लगे, कंफर्टेबल भी लगे, और इसकी डील भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोग को अभी स्क्रीन पे देख के ठीक ठाक लग रहे हो मुझ पर। मैं इनको जब प्रॉपरली स्टाइल अप करूँगी तो मैं एक शॉर्ट वीडियो और इंस्टाग्राम पर ज़रूर पोस्ट करूँगी, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। इसका ओरिजिनल प्राइस आई गेस 90 पाउंड था, बट बिकॉज ये एक ही साइज बचा था, एक ही पीस था, और ये वाला ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं था, तो आई एंड अप पेइंग 54.99, दैट मीन्स 55 पाउंड, 5500 में मुझे ये नाइकी एयर मिल गया, जो कि मुझे इंडिया में भी कभी नहीं मिला है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। आई अगेन अपोलोजाइज कि मेरा वीडियो जो है उसमें वॉइस ओवर कुछ और चल रहा है एंड लिप सिंक नहीं कर रहा है, सॉरी अबाउट दैट थिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादातर ऑफलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट आई प्रेफर अगर आप इन स्टोर में जाकर लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन में साइजिंग का इशू होता है। एक बहुत अच्छी जगह की शॉपिंग मैंने की जहाँ पर आपको सारे हाउस होल्ड आइटम्स मिल जाएंगे, और जो भी हम इंडिया का सामान मिस करते हैं, स्टील के आइटम्स और खाना बनाने वाले आइटम, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप किसी जगह के बारे में, यूके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, और अगर बेसिकली कहाँ से शॉपिंग करना है, आपके मसाले, आपके यूटेंसिल्स, आपका फूड, आपके कपड़े, एवरीथिंग, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू मेक बेस्ट वीडियो as per my experience, and thank you so much for watching this video. If you like this video, then give it a big thumbs up. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.